अस्सलाम वालेकुम। दिन का आगाज़ कलाम पाक से, यहाँ हस्बैंड कलाम पाक पढ़ रहे हैं और यहाँ हेल्पर मेरी आ गई थी, वो अभी अंडे वगैरह निकाल रही है, नाश्ते की तैयारी कर रही है। अभी कुछ मसला हो गया, मसला ये था कि हमारी जो मशीन थी गैस वाली वो ख़राब हो गई। हस्बैंड अभी जा रहे हैं, मैंने कहा नई मशीन लेके आना, तो हेल्पर मेरी अभी झूले में झूल रही है। मैंने कहा अभी रेस्ट करो आप, तो मैं जा रही थी, मैंने कहा कैच को देखूं और मेरी वीडियो का हिस्सा है वो भी आए मेरी वीडियो में और किचन में जाऊं। मौसम काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ ये मेरी कैच, ये भी खाने के इंतज़ार में है, अभी हस्बैंड कुछ लेकर आएगा तो हम देंगे इसे। और मैं किचन में गई, देखा मैंने ये बर्तन कुछ रखे थे, अभी मासी ने साफ़ नहीं किए, ये तैयारी करके रखी थी नाश्ते की कि मशीन चलाई, गैस नहीं था, मशीन मेरी ख़राब हो गई है। ये टमाटर, ये कुटे और ये आमलेट का मसाला, ये सब तैयार, ये अंडे रखे हैं। आज बहुत देर हो गई थी नाश्ते को और मेरे सर में दर्द हो गया, कभी कुछ मसाला कभी कुछ मसाला, बस होते रहते हैं, अल्लाह पाक रहम करे। कभी गैस का मसाला कभी लाइट का मसाला, ये मशीन ख़राब रखी है। और ये कूलर जो आप रोज़ देखते हैं, ये यहाँ पे रखा था, ये मासी का है, ये इसमें बर्फ़ लेकर जाती है। हस्बैंड आ गए, देखिए अभी मशीन आई है कि नहीं आई, वो ग्रॉसरी वगैरह लेकर आए। हस्बैंड ने कहा मशीन नहीं मिली, दुकान जो शॉप थे वो सारे बंद थे, तो अभी सवेर का टाइम था तो मशीन नहीं मिली। और ये फ्रूट जो हमारा रोज़ का है, ये पाबोड़ा जिसे हम पाबोड़ा कहते हैं, आज मैं दिखाऊंगी आपको कैसे होते हैं, आपने देखे भी होंगे। और यहाँ ये ग्रॉसरी है, ये हरा धनिया है, कद्दू है, और यहाँ ये हस्बैंड कैट के लिए कुछ निकाल रहे हैं खाने के लिए, ये चिकन है, और ये हलवा मामूल की तरह हलवा और दाल, ये नाश्ते में होता है हमारे। अभी कैट को देने जा रहे हैं, ये कुछ गोश्त का टुकड़ा है, फिर जो हम बनाते हैं वो जो हड्डियाँ वगैरह होती है वो भी हम कैट को ही देते हैं। ये देखें ये कैट अभी खाने लगे, इसे भूख लगी थी। अब हस्बैंड बैठा है, कह रहा है कैसी मशीन वगैरह लेकर आए, क्या करें। मैंने कहा नहीं लेकर आओ, मासी भी झूले में झूल रही है, कहा पता नहीं कौन सी अच्छी है मशीन, ये गैस वाली चलती है कि नहीं चलती। मैंने कहा जो भी मिले आप लेकर आए, लेकर आए नाश्ता बने, मुझे सर में बहुत दर्द हो गया है। तो हस्बैंड ने कहा मासी से, मेरे हेल्पर से, तुम ये सामान लेकर कहीं जाओ, नाश्ता ये पड़ोस में से बना के लाओ। तो नाश्ता हमने कर लिया था, वो क्लिप मैंने नहीं डाला। ये हस्बैंड लेकर जा रहे हैं मशीन, और ये मासी लेकर आई थी पैकेट, ये खोखा की ऐसी मशीन लेकर आओ। तो हस्बैंड अभी जा रहे हैं, दोनों लेकर जाए, ये खोखा भी लेकर जा रहे हैं और ये मशीन भी लेकर जा रहे हैं। ये कूलर में मैं पानी भर रही हूँ, बर्फ़ ऐसी जमती है फ्रिज में, अभी कूलिंग नहीं होती, लाइट भी नहीं होती, लाइट की वजह से बर्फ़ ऐसी जमती है, ना लाइट होती है ना गैस होती है। बस अल्लाह पाक रहम करे हमारे हाल पे, सब के हाल पे। और ये हेल्पर मेरी अभी सफाई कर रही है, सफाई का टाइम है, ये झाड़ू दे रही है। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और ये जो मैंने पापड़े आपको दिखाई थे ना, ये ऐसे होती हैं। और मैंने मासी को कहा कि आप ना लंच की तैयारी कर लें, ये साफ वगैरह कर लें, जो कद्दू वगैरह है वो साफ भले कर लें, तैयारी पूरी कर लें, मशीन लेकर आए तो फिर हम बनाते हैं, जल्दी बन जाएगा। ये मासी ने जो हेल्पर है मेरे, उसने मशीन चलाई, हस्बैंड ने मशीन लेकर आया पुरानी मशीन।
मशीन नहीं चली, वो पुरानी मशीन नहीं चली, नहीं बनी। तो मैंने हस्बैंड से कहा अभी आप नहीं लेकर आए, ये पुरानी को छोड़ दें। तो अभी हस्बैंड नहीं लेकर आया है मशीन, ये है। अल्लाह करे सही चल जाए इंशाल्लाह। बस होते रहते हैं ये मसले मसाइल वगैरह होते रहते हैं हर घर में शायद, और यहाँ तो बहुत ही होते हैं। ये बेटा मेरा मशीन लगा रहा है, अभी हम बनाते हैं लंच, दोपहर का खाना बहुत देर हो गई थी। ये हस्बैंड और बेटा मेरा बातें कर रहे हैं, मशीन लग गई। तो ये चिकन का सालन मैंने बनाया आज, मेरा इरादा था कुछ मैं नई तरीके से बनाऊं, पर बहुत देर हो चुकी थी और मासी के बच्चों को भी भूख लगी थी, वो भी आए थे वो खाना लेने के लिए। तो मासी ने कहा अभी नहीं बना, तो कद्दू मासी ने बनाया और चिकन मैंने बनाया, फिर दोनों ने मिलके साथ में खाना तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो जल्दी बन गया, बस इसकी मशीन की वजह से बहुत देर हो गई। ये सलाद बनाई और ये सालन बन गया, ये रायता है। सालन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, बहुत ही अच्छा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा खिलाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रोटियां पक रही है,